अजमेर जटिया पंचायत संस्था के अध्यक्ष पद का दूसरा वार्षिक चुनाव इतवार को संपन्न हो गया। चुनाव में दो अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन भरकर चुनाव समिति को जमा कराया। दोनों में से किसी का नाम वापस नहीं किया गया। मैं हरचंद जटिया पुत्र श्री दयालदास डोलिया अजमेर जटिया पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में भाग लेने जा रहा हूँ। इस चुनाव में पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से गंगा मैया की संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। चुनाव आयोग के सभी नियमों उपनियमों का अजमेर जटिया पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में भाग ले रहा हूँ। इस चुनाव में पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से गंगा मैया की संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिष्ठा रखूंगा। चुनाव आयोग के सभी नियम उपनियमों का सर बताइए। आज अजमेर जटिया पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और मैं उसका एक छोटा सा प्रत्याशी हूँ। चुनाव लड़ रहा हूँ, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है और सेवा भाव करनी है समाज के, उसके लिए आ रहा हूँ। 2 साल पूरी समाज की ढंग से सेवा करेंगे और जो कुछ भी करना हो भविष्य के घर में रहेगा। हम तो ये चाहेंगे कि आने वाले समय में इस समाज का 50 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 करोड़ इकट्ठा करना है और इस समाज को 4 करोड़ का मालिक बनाना है। पैसों में सक्षम करना है, शिक्षा में सक्षम करना है और हर जगह इस समाज की भागीदारी में आगे रहेंगे और समाज को विकास की राह पर ले जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। बताएं आज के बारे में, बताएं आपने जैसे फॉर्म भरा है उसके बारे में जनता को। मैं हरचंद जटिया 30 जून को अजमेर जटिया पंचायत संस्था अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें भाग लेने हेतु चुनाव समिति के समक्ष अपना फॉर्म जमा करा चुका हूं। मेरे प्रस्तावक है हेमराज जी जूणवार और मुन्ना सिंह जी धूड़िया, और पूर्व में भी मैं समाज के सहयोग, समाज के आशीर्वाद, नौजवान साथियों के भरपूर सहयोग, माता बहनों के आशीर्वाद से पूर्व में भी ये कार्य कर चुका हूँ और एक बार पुनः माँ गंगा जटिया समाज की सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ और विकास कार्य को लेकर आगे आया हूँ। शैक्षणिक विकास, खेलकूद विकास और समाज की तमाम ऐसी कुरूतियाँ, रीति रिवाज जिससे समाज का फिजूल खर्चा होता है उसको रोकने का प्रयास करूँगा और समाज के निर्देशों का पालन करूँगा, सब साथ में बैठकर। हाँ जी बताएं। आज अजमेर जटिया पंचायत के अध्यक्ष पद के जो 2 वर्षीय चुनाव होने जा रहे हैं उसके तहत पूरे चुनाव आयोग का जो सदस्य है फुल कोरम जो आज बैठा है और अब तक 2 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन पत्र जो है जमा कराया और आवेदन पत्र जमा कराने के पश्चात निर्धारित समय में आवेदन पत्रों की जांच की गई। जांच करने के पश्चात उनका चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया, जिसके तहत श्रीमान अर्जुन जी डोलिया को मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया और श्रीमान अर्जुन जी बोरा को घोड़ा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। कुल अब तक जो है 2 अभ्यर्थी आए हैं और दोनों आयोग ने जो है पूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की मंशा जाहिर की है, इसके लिए वो संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है। चुनाव समाज में 30 जून, आने वाले 30 जून को जो है रविवार के दिन संपन्न होंगे और चुनाव का जो समय है प्रातः 8 बजे से लेकर साय 5 बजे तक। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।